हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुनीश भल्ला। आज मैं आया हूँ नेक्सा के शोरूम में, कंपोनेंट मोटर, गुड़गांव, सेक्टर 34। आगे इसका शोरूम है और पीछे इसका सर्विस सेंटर बना हुआ है। काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी शोरूम की तरफ से। ये आपके सामने मारुति सुजुकी सियाज जेट्टा मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल। फ्रंट की ग्रिल देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छी ग्रिल है इसकी, डिसेंट है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ क्रोम की गार्निश आ गई। और फ्रंट में ही आप देख पा रहे होंगे एलईडी डीआरएल प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ। ये आ गया इसके फॉग लैंप, सेम हैलोजन बल्ब के साथ। सिल्वर एसेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, फ्रंट बम्पर पे भी मिलते हैं और सेम रियर बम्पर में भी मिलते हैं। ये आ गया इसका साइड प्रोफाइल, फ्रंट में ही सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसका टायर साइज है R15 inches के, काफ़ी अच्छे हैं, गुडविल के इसके टायर दिए गए हैं। ये आ गया इसका साइड प्रोफाइल में, आप देख पा रहे होंगे जेट ब्लैक काफ़ी अच्छी लग रही है। जो इसके और VM है सेम बॉडी कलर में मिलते हैं, इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ। ए पिलर बी पिलर सेम बॉडी कलर में मिलते हैं। जो इसके क्रोम डोर हैंडल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अलग से ही शाइन मार रहे हैं। क्रोम की गार्निश जो है इसकी डोर हैंडल्स पे काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख पा रहे होंगे 170 mm, काफ़ी अच्छा है। ये हो गया इसका साइड प्रोफाइल। अब दिखाता हूँ इसके बैक प्रोफाइल में। सबसे ऊपर आ गई सनरूफ, नहीं मिलती इसके अंदर, स्पॉइलर नहीं मिलता, वाइपर भी नहीं मिलेगा, डीफॉगर और स्टॉप लाइट मिलेगी। और बीच में आ गया सुजुकी का लोगो, सियाज की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और बीच में इसका कैमरा मिलता है। और नीचे आ गए रिफ्लेक्टर और पार्किंग सेंसर, पार्किंग सेंसर चारों मिलते हैं। जो इसकी टेल लाइट है हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है और लगती एलईडी डीआरएल की तरह ही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये इतनी अंडररेटेड कार है, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मारुति सुजुकी सियाज ही है गवर्नमेंट की तरफ से, और नॉर्मली कंज्यूमर जो है वो लेने जाए उसकी तरफ से भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसलिए क्योंकि जो इसका प्राइस है 9,99,000, जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है, काफ़ी अच्छा है और अट्रैक्टिव भी करता है। और अब दिखाता हूँ इसका अंदर का इंटीरियर। ब्लैक एंड बीच कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और डोर पे ही क्रोम डोर हैंडल्स, ORVM के कंट्रोल, विंडो के कंट्रोल आ गए प्रॉपर। कुशनिंग है लेदर रैप में, काफ़ी अच्छी है। और नीचे बॉटर होल्डर आ गया, थोड़ा बहुत आप सामान रख सकते हो। चारों डोर पे स्पीकर मिलते हैं नीचे, और उसी के ऊपर ही आप देख पा रहे होंगे वुडन फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। और उसी के साथ में सिल्वर एसेंट्स दिए गए हैं, ब्लैक एंड बीच कलर के कॉम्बिनेशन के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका वुडन फिनिशिंग। ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट मिलता है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है। बीच कलर के सीट कवर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके कॉम्बिनेशन के साथ। और अब गाड़ी में बैठ के देखते हैं कैसा कम्फर्ट है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, ईजिली बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कार में। सीट को मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। और ये आप देख पा रहे होंगे स्टेयरिंग लेदर ऐप में नहीं मिलता, नॉर्मल स्टेयरिंग मिलता है। म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिलेंगे प्रॉपर। सिल्वर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। और बीच में सुजुकी का लोगो, क्रूज कंट्रोल, इसी के साथ में सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी, तीनों साइड मिलेगी, आप देख पा रहे होंगे। ये आ गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अभी की नहीं है मेरे पास इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रहा। और उसी के साथ में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, क्रोम की गार्निश है प्रॉपर, उसकी आउटलाइन की गई है। ये आ गया 9 inches की स्क्रीन, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ। AC वेंट्स मिलते हैं जो आउटलाइन की गई है सिल्वर फिनिशिंग के साथ, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये आ गया इसका ऑटोमेटिक AC प्रॉपर। और यह सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मेरे को, यह पुश करते ही ये ऊपर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। इसमें सारा कुछ जो है वो छुप जाता है, ये इसको पुश करोगे ये बंद हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इसका गियर नॉब दिया गया है, सिल्वर फिनिशिंग इसके साथ में ही मिलती है आउटलाइन। या आ गया इसका हैंड ब्रेक। और जो इसका आर्मरेस्ट है आप देख पा रहे होंगे, स्पेस के मामले में थोड़ा बहुत ही है। और ये है जो इसका आर्मरेस्ट काफ़ी लंबा है, कम्फर्टेबल है प्रॉपर, स्लाइडिंग में नहीं मिलता। जो इसका डैशबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, वुडन फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। डोर्स तक है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। जो इसका फैब्रिक आप देख पा रहे होंगे सीट्स का, लेदर ऐप में नहीं मिलता, नॉर्मल ही है। और जो इसका ग्लब बॉक्स देखते हैं, स्पेस के मामले में ठीक ही है ग्लब बॉक्स भी। और आपको ऊपर दिखाता हूँ सनवाइज़र, ओपन करते ही वैनिटी मिरर मिलता है इसके अंदर, उसको भी ओपन करते हैं। लाइट का फंक्शन नहीं दिया गया इसके अंदर।
इसको बंद करते हैं और बीच में आप देख पा रहे होंगे दो LED लाइट्स मिलती हैं इसके अंदर, और दो माइक्स की प्लेसमेंट भी मिलती है, काफ़ी अच्छी है। और आप बीच में आप देख पा रहे होंगे वन पुश डाउन के साथ सनग्लास होल्डर मिलता है, काफ़ी अच्छा है। और आप बीच में आप देख पा रहे होंगे ऑटो डे नाइट मिरर नहीं मिलता, मैन्युअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ड्राइवर साइड का जो सनवाइज़र दिखाता हूँ, इसको ओपन करते हैं, टिकट होल्डर मिलता है इसके अंदर, कोई सनवाइज़र नहीं मिलता। और इसका दिखाता हूँ नीचे जो स्टेयरिंग है, टिल्ट टेलीस्कोपिक का देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से पुश करते ही ओपन हो जाएगा, टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है इसके अंदर। आप देख पा रहे होंगे मैं एडजस्ट करके भी देख पा रहा हूँ। और स्टेयरिंग पे मोबाइल के कंट्रोल दिए गए हैं, ये तो नॉर्मली है। इसको डोर को ओपन करते हैं, आप चलते हैं पीछे की सीट्स पे, क्या फीचर्स मिलते हैं आपको, प्रॉपरली एक एक चीज़ दिखाएंगे। जो इसका कलर है ना, ब्लैक कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको आगे से ओपन करते हैं डोर को, यहाँ से ओपन हो जाएगा, डोर अनलॉक का बटन दिया गया है। इसको ओपन करते ही ब्लैक एंड बीच कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर जो बीच कलर है वो काफ़ी अच्छा है, जो इसकी केयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, ग्रैब हैंडल आ गया, क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, और जो वुडन की फिनिशिंग आप देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड से लेके बैक की सीट्स तक आती हैं। और जो नीचे बोटर होल्डर मिलेगा, थोड़ा बहुत आप सामान रख सकते हो, स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। और अब बैठ के देखते हैं कैसा कम्फर्ट है इसका। मैं देखो आप ईजिली बैठा हूँ, किसी को मैंने टच तक नहीं किया, आराम से बैठ गया मैं। और इसको बंद करते हैं, और आप देख पा रहे होंगे मेरी 6 फीट मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और जो सीट्स हैं मेरी पूरी पीछे करी हुई थी, और आप देख पा रहे होंगे मैं ईजिली बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है स्पेस के मामले में। बीच में AC वेंट्स मिलते हैं, और नीचे स्पेस है थोड़ा बहुत, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। बीच में जो हब है छोटा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसकी गवर्नमेंट की चॉइस है, काफ़ी अच्छी है। फ्रंट 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, और जो इसके बैक के हेडरेस्ट है दोनों एडजस्टेबल मिलेंगे। और जो बीच में आप देख पा रहे होंगे आर्मरेस्ट मिलता है इसके अंदर दो कप होल्डर के साथ। और इसको बंद करते हैं, काफ़ी स्पेस है यार, देखने में और बैठने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है सेडान कार में। आप देख पा रहे होंगे फ्रंट डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट है। और अब कार को अनलॉक करते हैं, और अब चलते हैं बाहर, बूट दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस मिलता है इसके अंदर बूट में। इसको बंद करते हैं, बूट आप देख पा रहे होंगे जो इसका बूट है वो यहाँ से ना खुल के आगे एक बटन दिया गया, आपको दिखाता हूँ। डोर ओपन करते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है जो उसी के नीचे ही आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का बटन दिया गया, इसको पुश करते ही जो इसका बूट है अपने अकॉर्डिंगली खुल जाएगा, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको ओपन करते हैं, पार्सल ट्रे तो इसके अंदर नहीं मिलती। जो इसका बूट स्पेस आप देख पा रहे होंगे 510 लीटर का, काफ़ी अच्छा है। और ऐसी कोई कार ही नहीं है सेडान जो इसके अंदर इससे ज़्यादा है, होंडा सिटी का भी कम है, वरना का भी कम आता है। आप देख पा रहे होंगे इसका बूट और जिसका स्पेयर टायर, इसका साइज़ दिखाता हूँ। साइज़ है इसका ये आपके सामने, ये रहा इसका साइज़, हाँ ये आ गया, R15 इंचज का साइज मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। और जो इसके पांचों टायर हैं सेम साइज़ के मिलेंगे, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और इसको बूट को बंद करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कार कैसी लगी जेटा मॉडल सियाज। मेरे को तो कार काफ़ी अच्छी लगी, वैल्यू फॉर मनी कार है, और प्राइस के मामले में भी 11.5 लाख में आपको सेकेंड टॉप मॉडल मिलता है सियाज का, जेटा मॉडल सारे फीचर्स के साथ। दोबारा से दिखाता हूँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm काफ़ी अच्छा है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, थैंक यू वेरी मच।